मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर वन न्यूज चैनल आईबीसी 24 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आईबीसी 24 शोपुर से होते हुए अब मुरैना पहुंच चुका है। मुरैना में सबसे पहले हमने इस लोकतंत्र के ध्वज की पूजा की, उसके बाद मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और फिर मुरैना की 6 विधानसभा क्षेत्रों में हमने जबरदस्त कवरेज की, चाहे अंबा हो, दिमनी हो, सुमावली हो, सबलगढ़ हो, मुरैना हो या जौरा हो, इंसाना हो या जौरा हो, इन सारी 6 विधानसभाओं में हमारी टीम पहुंची और वहां के स्थानीय मुद्दों को जानने की कोशिश की कि इस बार मुरैना की जनता के मन में क्या है। चूंकि मुरैना पिछले 5 वर्ष यानी 2018 से लेकर 23 विधानसभा जो चुनाव आने वाला है वो तीसरा विधानसभा चुनाव होगा, हर प्रदेश हर जिले के लिए दूसरा लेकिन यहाँ के लिए तीसरा। तो यहाँ के मुद्दे क्या है, अगर कृषि की बात की जाए तो सरसों की खेती पर निर्भर है यहाँ के किसान, और साथ ही साथ अगर मुद्दों की बात की जाए तो बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है और यहाँ से युवा पलायन कर रहे हैं, ये भी इन 6 विधानसभाओं में मूल समस्या आई है। बिजली कटौती हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, ये सारे मुद्दे सामने आए हैं। फिलहाल वर्तमान में स्थिति ये है कि यहाँ पर 4 विधायक कांग्रेस के हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जनता से ही जानते हैं इनके मन में क्या है और इनके मुद्दे क्या हैं, और उसके बाद जो इन्होंने प्रतिनिधि चुने हैं उनसे सीधा सवाल करेंगे कि जनता के सवालों के जवाब पर आपका क्या कहना है। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े भाई साहब, नमस्कार। और एक चीज ये है कि संक्षेप में जवाब रखिएगा, आप क्या मानते हैं यहाँ के कौन से काम पूरे हुए हैं या नहीं, आप बताइए प्लीज। चलिए, ये थोड़ा सा घबरा रहे हैं, युवा संकोच कर रहे हैं, आपके मुद्दे क्या है? यहाँ पर कांग्रेस के स्थानीय विधायक हैं, लेकिन यहाँ के, चाहे मैं सड़कों की बात करूँ तो स्थानीय कांग्रेस विधायक द्वारा जिस दिन से वो कांग्रेस में विधायक बने हैं उस दिन से शकल ही नहीं दिखाई हमने, तो आज तक नहीं दिखाई कांग्रेस का विधायक। सड़क की एक समस्या है, सड़क की। मुरैना नगर निगम की हम बात कर रहे हैं तो जब से कांग्रेस की महापौर बनी है, स्वच्छता का विषय हो, रोडों का विषय हो, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। डोर टू डोर वाली गाड़ी, ये स्वच्छता अभियान की माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा अभियान है वो चल रही है, वो भी नगर निगम के अंदर। स्वच्छता और सड़क दो बात आई है। मुरैना शहर में जब अपन निकलेंगे तो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, आप ट्रैफिक हर जगह जाम हो जाता है और गाय सब जगह मिलती है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। जबकि गोवंश सड़क पर है, एक चीज ये सामने आ रही, गोवंश सड़क पर है एक समस्या है। भाई साहब क्या समस्या है, आपके शहर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, आपका क्या मानना है? नहीं, विकास हुआ है शहर का, चौतरफा शहर फैल गया है, 15 किलोमीटर की एरिया में आज मुरैना शहर है। हर तरफ जो है बाईपास रोड बन रही है, नाला नंबर 1 पटा वो रोड बढ़िया बनी, नाला नंबर 2 पर बढ़िया रोड बनी, मुरैना विकास हुआ, फ्लाई ओवर बना और आपके जो है NH 552 बना, विकास तो हुआ है। लेकिन जब से देखिए, कुछ असंतुष्ट है तो कुछ संतुष्ट भी है, भाई साहब आपका क्या मानना है? विकास हुआ है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा हुआ है, यहाँ की प्रतिनिधि जो विधानसभा कांग्रेस जीती है सो विधानसभा क्षेत्र में कम विकास हुआ है। अब विधानसभा क्षेत्र में कम हुआ है, जो विकास हुआ है केंद्र सरकार ने किया, इनका मानना है, आप भाई साहब क्या कहेंगे? ये कहेंगे क्या है कि ना कोई विकास कार्य नहीं, जब से कांग्रेस से महापौर या विधायक बने यहाँ सब कमीशन घोरी चल रहा है, बस विकास कार्य कुछ हो ही नहीं रहा, कोई मतलब सड़कें खुद पड़ी हुई हैं। इनकी शिकायत कांग्रेस से है, यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, कांग्रेस महापौर बनी जब से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, यहाँ पर कांग्रेस विधायक बने जब से यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इससे पहले रुस्तम सिंह जी मंत्री थे ना, जब उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया। चलिए अब नेताओं से जवाब लेते हैं और एक नेताओं से जवाब लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनता के जो सवाल आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वच्छता को लेकर, ट्रैफिक को लेकर, विकास को लेकर बड़ी समस्या है, भाई साहब ये कह रहे हैं, बड़ी शिकायत है पीछे बैठे हुए लोगों। ट्रैफिक की जो व्यवस्था है इसको यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसका ये दायित्व बनता है, और यहाँ के जो नेता है सांसद कोऑपरेट नहीं कर रहे आपको? बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारे नगर निगम में महापौर और सभापति हमारे कांग्रेस पार्टी के बैठे हैं, लेकिन उनको विकास कार्य नहीं करने दिया जा रहा, जो भी कमिश्नर को बिठाते हैं वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी कांग्रेस के नेता का एक्सक्यूज है, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कांग्रेस का महापौर तो अभी आया हुआ है, इससे पहले कौन थे? 15-20 साल से भाजपा की सरकार है, ये 50% वाली जो सरकार है
आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, ये उसी की खामी है। हमारे ज्वारा विधानसभा की अभी लेटेस्ट एक घटना है, एक 4 करोड़ का डैम बना हुआ है, 4 दिन के अंदर पहली बारिश में जो है ना वो फूट गया। चलिए, यानी आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हमारे साथ है यहाँ पर, ये साफ कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। बैठे रहिए। मेरा निवेदन ये है, भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में ही है, जितना विकास इस समय हुआ है या हो रहा है शायद कभी नहीं हुआ है। अब विकास की योजनाएं पूरे जिले को दिख रहा है, बात को ऑपरेशन की है ना, वो तो बताया लोगों ने, वो कह रहे हैं कि हमें काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा कोई ज्वलंत उदाहरण तो सामने आया नहीं है, जो काम करने वालों को कोई नहीं रोक सकता है। जो ये बात इन्होंने कही है कि काम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है। भाई साहब, ये लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, आपके शहर में विकास हुआ या नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, शहर में भाजपा के शासन में इतनी बुरी हालत है जिसके बता नहीं सकते, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान। किसके शासन में? भाजपा के शासन। अच्छा। भाजपा सरकार में किसान बेरोजगार है, लोगों पे टोटल बुरी हालत है। क्या खेती नहीं होती, आप कह रहे हैं किसान बेरोजगार है? तो खाद कहाँ मिल रहा है? खाद अच्छा। के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइन लगी है, सुबह 4-4 बजे। अभी भी स्थिति है? अभी भी स्थिति है, ये आज की घटना। खाद की एक समस्या आ रही है, खाद की समस्या किस विधानसभा में? मुरैना, हर जगह, पूरे मध्य प्रदेश। मुरैना में? ठीक, पूरे मध्य प्रदेश में किसान परेशान। मध्य प्रदेश की बात तो बाद में करेंगे ना, मुरैना की बात करते हैं। 6 विधानसभा किस? चलो 6 उपलक्ष्य, 6 में। आप कैसे देखते हैं? खाद नहीं मिलता, लट मिलता। ये तो आपको ही पता है, सब लोगों को पता है। आप बताइए ना, आप टेलीविजन पे आ नहीं रहे, पूरे मध्य प्रदेश को बताइए मुरैना की अपनी समस्या, अगर विकास हुआ तो वो भी बताइए। किस बारे में? विधानसभा में आपके मुद्दे क्या है, किस बारे में क्या? आप अगर इतना झिझकेंगे तो कैसे काम चलेगा? विधानसभा में सबसे पहला मुद्दा तो आपको दिख रहा है, किसानों के लिए कर्ज माफी का और खाद का है, बेरोजगारी का है, स्वच्छता का है, कई प्रकार के मुद्दे हैं जो सब लोगों को पता है, आपको भी ये। चलिए कोई बात नहीं, अब जनप्रतिनिधियों से जवाब लेते हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे भी जरूर पूछेंगे। एक समस्या निकल कर सामने आ रही है कि यहीं से, इसी धरती से केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं खाद की समस्या है, पीछे बैठे हुए लोग। खाद की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस समय खाद पर्याप्त मात्रा में है, कुछ सोसाइटियों को चालू होने में, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने में जो दिक्कत आई थी, 2, 4 और 10 दिन के अंदर सारी सोसाइटियाँ चालू हो रही हैं, खाद की कोई किल्लत नहीं है, और इस समय किसान को जितना खाद चाहिए वो पर्याप्त है, लेकिन किसान क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाह रहा है, क्योंकि कभी कभी उसको ऐसा संदेह होने लगता है कि कहीं किल्लत ना आ जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है खाद लेने लगा है, इसलिए कहीं किल्लत ना हो जाए। एक समस्या ये, बीजेपी कह रही है कि कोई समस्या है ही नहीं है खाद की, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है बीजेपी, कोई भी समस्या नहीं है खाद की, बिल्कुल नहीं है। आप पहले पत्रकार हैं जो लोकतंत्र का झंडा ले चल रहे हैं, सारा खाद भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ पर्ची बनती है, बोले जाती है, तो इनको समस्या का कैसे पता पड़ेगा? ये आपको कैसे पता चला कि पर्ची बनती है? आप जाइए जहाँ खाद मिलते हैं, किसानों को डंडा मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तौलिया पहन के जो आता है वो वहां से खाद ले जाता है और किसानों को मिलते हैं डंडा। चलिए, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास, कि खाद सिलेक्टेड लोगों को मिलती है, लेकिन लेकिन जनता क्या कहती है, जनता के मुद्दे क्या है? मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन पीछे की पंक्ति में जो हमारे साथ भाई साहब बैठे हुए हैं, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मुरैना में आपके क्या मुद्दे हैं, क्या कैसे देखते हैं, विकास हुआ या नहीं हुआ, कौन सी समस्या है या नहीं है? सफाई की समस्या है बहुत ज्यादा, चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है, अभी नाले साले ब्लॉकेज हैं, अभी तो पानी नहीं पड़ा, अगर पानी पड़ जाता है तो शायद आपका कार्यक्रम करना बड़ा मुश्किल हो जाता। सफाई और जल भराव, ये मुख्य जल भराव अभी भी यहाँ होता है, विशेष भयंकर बहुत होता है, सारी सड़कें सारे नाले जाम है, इस समय पानी की निकासी कहीं से कहीं तक नहीं है, बिल्कुल जरा सा पानी पड़ जाए पूरा शहर डूब जाता है उसमें। एक समस्या आ रही है, एक समस्या ये आ रही है कि शहर में जो अब व्यवस्था है, आप एक परिचय देने आ गए भाई साहब कि खाद व्यापारी हैं, जरा बताइए दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, क्या मुरैना में स्थिति है? हाँ, माइक छोड़े रहिए। जब कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, श्रीमान कमलनाथ जी ने जो केंद्र का आवंटन होता है,
खाद का वितरण राज्य सरकार का मुद्दा होता है। राज्य सरकार जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी बने थे, उन्होंने प्राइवेट को जो 15,000 व्यापारी है उनको देने से बिल्कुल मना कर दिया, 0/0 कर दिया सारा। बहुत लंबा बता रहे हैं, समस्या है कि नहीं? लंबा समस्या यहीं से चालू हुई है। और जब वो 2020 में भाजपा सरकार आई तो उन्होंने 30% व्यापारियों को देना शुरू किया और 70% सोसाइटियों को, लेकिन 30 और 70 का खेल है, तो यानी किसानों की समस्या है, ये बात समझ में आ रही है। हमारे साथ कुछ और भाई साहब जुड़े हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे देखते हैं इस बार मुरैना का विधानसभा का चुनाव, किस ओर है पड़ला और क्या है समस्या? समस्या ये है कि जब से कांग्रेस का विधायक बना है मुरैना में, बाढ़ में किसी भी गली में घूमने के लिए नहीं आया, न तो देखा कीचड़ है का पानी है। मैं पार्षद हूँ भाजपा से। अरे आप तो नेताजी हैं, नेताजी हैं आप तो नेता वाली बात कर रहे हैं। नेताजी हैं आप तो, नेताजी हैं। मेरे को 1 साल है गई बाढ़ में। अभी चलिए जनता के पास चलते हैं। आप नेताजी हैं, ठीक है, आपने बात किया, आपकी बात सुन लिया, लेकिन जनता के पास चलते हैं क्योंकि ये जनता का कार्यक्रम है। नेताजी थे, वो कह रहे थे कुछ युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और पीछे की पंक्ति में बैठे हैं। ये कहा जाता है कि जो जिस ओर ये युवा चलते हैं जमाना उसी ओर चलने लगता है, तो पूछते हैं इनके क्या मुद्दे हैं। क्या बेटा, कैसे देखते हैं आप मुरैना में विकास हुआ या नहीं हुआ? हिचक रहे हैं थोड़ा। चलिए, शर्मा रहे हैं आप। विकास नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, किसने नहीं किया? जी जो विधायक पार्षद मंत्री बनते हैं उन्होंने। अच्छा, इनका मानना है जो विधायक और पार्षद है मंत्री बनते हैं, विकास ही नहीं किए हैं। आपका भाई? नहीं किया है। चलिए, ये भी कह रहे हैं नहीं किया है। चलिए, अब आगे आते हैं, आगे की पंक्ति में आते हैं, ठीक है। हाँ, आप बड़े नेताजी बन रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? अमित उपाध्याय नाम है मेरा। हाँ बताइए। जब भाजपा की सरकार थी है और मुरैना नगर निगम में जब बीजेपी के मेयर थे, तो जब मुरैना नगर निगम में सिविल लाइन, VIP सड़क, ऐसे कई अन्य विकास किए थे। जब से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के महापौर जब से बने हैं, जब से एक आप नेताजी तो नहीं है, आप जनता है ना। मतलब शहर की समस्या है कि जब से मेयर बने काम नहीं हुआ, एक ईंट भी नहीं, ठीक है इसे। चलिए अखिलेश जी, थोड़ा भी आगे चलते हैं, आगे की पंक्ति में चलते हैं। जनता से बात तो की, आ रहा हूँ, थोड़ा आगे की पंक्ति में चलते हैं। देखिए, शहरवासियों की एक मूलभूत समस्या है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को अखिलेश जी दिखाइए जो ये बैठे हुए हैं एक लाइन से, वो कह रहे हैं पीछे बैठे हुए लोग, जो नेता थे मैंने रोक दिया, कहा कि नेतागिरी नहीं चलेगी, बैठ जाइए, मैंने कहा बैठ जाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके जब से मेयर बन गए, विधायक बन गए, सफाई ठप हो गई है, ये क्या है भाई, ये क्या है? ऐसा है, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस, मुरैना की बात मैं कर रहा हूँ, मुरैना की बात पे आ रहा हूँ, आप सुन लीजिए पूरी बात को। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया, कमलनाथ जी की सरकार बनी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिरा के नोटों की और माफियाओं की दम पे नोटों की सरकार बनाई, जिसमें हमारे उपचुनाव हुए चंबल में, सबसे ज्यादा मुरैना जिले के हमारे MLA कांग्रेस पार्टी के जीते। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के प्रशासन, ये कहानी है, ये पॉलिटिकल कहानी है, पॉलिटिकल कहानी सुनने नहीं आए हैं, नहीं पॉलिटिकल कहानी थोड़ी सुनने हैं। आप पूरी बात सर, पॉलिटिकल कहानी 25 मिनट का प्रोग्राम है, पॉलिटिकल कहानी है, सुनिए। तो कांग्रेस का MLA बना, महापौर भी, मेयर भी ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस पार्टी के बना, ये बात कहीं ना कहीं शिवराज सिंह को चुभ रही है, और हमारे कांग्रेस के मेयर और कांग्रेस के विधायक को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये बात निकल कर सामने आई है। अब जरा अखिलेश जी, बीजेपी की जरा नेताओं को जरा दिखाइए, वो क्या शिकायत है भाई? आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और अटल जी कहते भी थे कि जो कदम से कदम मिला के चल रहा है विकास करने का लक्ष्य है, काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं, क्यों पकड़ लिए हैं उनको? भारत की, मध्य प्रदेश की और मुरैना की लोकतंत्र में सबसे पहला मौका कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय पकड़ा है नहीं, काम नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी बनी और देश में भी बनी और मुरैना में भी जब महापौर बना, नेताजी लोगों की एक शिकायत है, नेताजी लोगों की मेरी, वो कहानी सुनाने लगते हैं। आपने पकड़ा है कि नहीं विकास करने से? विकास हुआ है मुरैना में, एक ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या थी। गोल। विकास करने से किसी ने नहीं रोका है। नगर निगम स्वतंत्र इकाई होती है, उसके खुद के टैक्स आते हैं, सरकार की जनसंख्या के मान से पैसा आता है, विकास करने की नियत होनी चाहिए। नियत होनी चाहिए। और एक चीज ये बोल रहे हैं कि नियत होनी चाहिए, मैं आऊंगा, लेकिन एक दल और दस्तक दे रहा है,
मध्य प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी पूरे दलबल के साथ आए हैं क्या आप? बिल्कुल, हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, अभी हमें पता चला था कि आपका काम। तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में क्या आपका स्कोप है कोई क्या? देखिए, बीजेपी कांग्रेस अगर मैं विकास के कॉन्टेस्ट में बात करूं तो विकास का वह भी नहीं जानते। ये वाह, कौन नहीं जानता वाह? बीजेपी कांग्रेस दोनों ही नहीं जानते। दोनों आप बताएंगे वाह? बिल्कुल, दोनों को बिल्कुल। हम बता रहे हैं दिल्ली में, हम बता रहे हैं पंजाब के अंदर कि विकास कैसे होता है, एजुकेशन पे काम कैसे होता है, वाटर पे काम कैसे होता है, हॉस्पिटल पे काम कैसे होता है, लोगों का जीवन सुगम। तो इनको बताएंगे कि जनता को बताएंगे? वाह किसको बताएंगे, बीजेपी कांग्रेस की? इनको आम आदमी पार्टी राजनीति सिखाने आई है और सिखा रही है। अच्छा, राजनीति सीख लीजिए, जरा दिखाइए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को अखिलेश जी एक बार। ये कह रहे हैं कि वाह भी नहीं जानते, हम सिखाने आए हैं। अभी लोग कद्दावर नेता है फिलहाल, जनता और है। हाँ भाई साहब, शहर की जो हालत है वो दरअसल सीवर लाइन के टेंडर की वजह से है। भाजपा के लोग साथियों से पूछिए, बगल वाले कह रहे नेता, आपको नेता कह रहे हैं? नहीं, नेता है लेकिन ओहो, चलिए नेताजी। हाँ, लाइन की वजह से शहर के हालात खराब है। नगर निगम को समझ में नहीं आ रहा कौन सी सड़क बनाए कौन सी नहीं, क्योंकि एक सड़क को सीवर लाइन। अरे भाई एक मिनट, नेता का भी सम्मान, ठीक है ये ठीक है, आपकी बात जाएगी, आपकी बात वहां तक जाएगी, ठीक है। और लोग ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, एक युवा भी है, अखिलेश जी, इनको लीजिए स्क्रीन पे। शहर की अगर सफाई व्यवस्था पे ध्यान दें तो माननीय जो नहीं दे रहा है, मैं बता रहा हूँ सफाई की, जो अपने हमारे साथी भाई बता रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही है, तो मैं बता दूं जो पहले बनी हुई सड़कें थी उन पूरी सड़कों को पानी की, जो पानी का जो लाइन डाली जा रही है, पूरी सड़कें खोल दी है। और जो कंपनीज का काम कर रही है वो ब्लैक लिस्टेड फर्म है। हाँ, वो बीजेपी, हाँ, बीजेपी के जो एजेंट है उनको लेकर पूरा। अरे नेताजी, एक और नेताजी मिल गए हैं, एक और। ये मुरैना की धरती है, ये मुरैना की धरती। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ठीक। जिम्मेदार सीवर लाइन घोटाला है, सीवर लाइन, शहर की जो एक बात है सीवर लाइन की है, सीवर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, नोट, एक मिनट शांति, ये नोट कर लिया मैंने। हाँ, एक युवा और है, ये आपके क्या, आपका क्या मानना है इस मुरैना की जनता के, इस मध्य प्रदेश के लिए? एक मिनट, बैठ के आपकी आवाज पूरे मध्य प्रदेश तक जा रही है। यहाँ के लिए तो सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस ही है खुद, कांग्रेस। चलिए ठीक है, कांग्रेस ये बता रहे, ठीक है, शांति बनाए रखिए आप लोग प्लीज। मैं कुछ और लोगों के पास चलता हूँ, हर पंक्ति में चलूंगा, चिंता मत कीजिए, हर लोगों तक पहुँचने की कोशिश मेरी रहेगी, हर लोगों तक। भाई साहब, मुरैना में हुआ है विकास या नहीं हुआ है, काम हुआ या नहीं? मुरैना में जो विकास हुआ, जब से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के महापौर बने, अच्छा, कोई नया काम एक भी इन्होंने आज तक स्वीकृत नहीं किया। जो ये पानी की सीवर लाइन की बात कर रहे हैं, मैं जब लोक मैं लोकतंत्र, एक मिनट, जब मैं इस लोकतंत्र के ध्वज की पूजा करने जा रहा था शनिदेव, तो कुछ कांग्रेस के विधायक ने थी, टैक्सी, वो स्टैंड बने थे, बस स्टैंड देखा था मैंने, आप कह रहे हैं एक भी काम नहीं हुआ है, तो वो फैक्ट बताइए, फैक्ट। मैं बस स्टैंड, आप शहर की बात कर रहे हैं, अच्छा, आप जिले की बात करेंगे तो मैं जिले पे भी बोलूंगा। मैं मुरैना की अगर आप बात करें, तो जो सीवर प्रोजेक्ट है, वाटर प्रोजेक्ट है, गैस पाइपलाइन है, ये भारतीय जनता पार्टी के सीवर वाटर गैस। चलिए अखिलेश जी आगे बढ़ते हैं, जो एक समस्या आ रही है सीवर वाटर गैस, जब से कुछ लोगों को, जनता को बड़ी समस्या है, इतने समस्या जनता की है, आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या छिपा रहा है? नहीं, हमारा नहीं सुख रहा है, क्योंकि पुराने जो बीजेपी के मेयर थे, सभापति थे, 80 करोड़ रुपया निगम पे कर्जा करके गए हैं, और हमारी महापौर और हम नगर में घूम के जो हमारे पास संसाधन है, इनके अलावा किराए से हमने संसाधन लिए हैं शहर की सफाई व्यवस्था में, और मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके पहले जो मेयर थे उन्होंने कर्जा लाद दिया, ये बहाना है क्या? बहाना नहीं है, कर्जा लाद दिया 80 करोड़ रुपए। जब मेयर का चुनाव था तो आप डंके के छोटे बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं कर्जा। क्या बोल रहे थे? जब मेयर का चुनाव था कि हम बदल देंगे मुरैना की तस्वीर, बदल देंगे। अरे तो बदल
लेंगे भाई, बदलवे भाई, तो तभी तो हम कह रहे हैं कि हमने किराए से संसाधन लिए हैं और हमने नगर में सफाई करवा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली सभी व्यवस्था की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बसपा के नेता भी हमारे साथ है और यहाँ बसपा की भी दस्तक है, लेकिन कुछ महिलाओं से बात जान लेते हैं, चूंकि उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एक भाई साहब बैठ जाइए, थोड़ा महिलाओं का भी सम्मान कीजिए। बड़ा चर्चा है, दो योजनाएं हैं, एक लाडली बहना और दूसरा कह रहे हैं कि हम आएंगे तकदीर बदल देंगे, नारी सम्मान, कैसे देखती हैं बहन जी आप? सबसे पहले मैं आईबीसी 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बुलाया, और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो लाडली बहना योजना निकाली है जिसमें सभी 1.25 लाख महिलाओं के यहाँ फॉर्म भरे गए हैं और सभी महिलाएँ व्यक्तिगत बहुत खुश हैं, और बच्ची जब शिवराज जी की तरफ से, हमारे माननीय शिवराज जी की तरफ से बच्ची जन्म से लेके जब पैदा होती है। ठीक है, लाडली बहना, लाडली बहना, आप मैम लाडली बहना योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो काफ़ी सफल। लाडली बहना या नारी सम्मान? नारी सम्मान को तो ये एक फर्जी मैं मान सकती हूँ, ना तो अभी तक इस तरह का कोई फॉर्म भरने की बात है। अभी फॉर्म नहीं भरा गया, वो तो कह रहे भरा रहे हैं हम। अगर फॉर्म भरे हैं तो इसका कोई लीगली वो है, अगर हम फॉर्म भरवा रहे थे तो यहाँ सरकारी रूप में पूरी तरह से भरवाए जा रहे थे उन फॉर्मों को। अच्छा, फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे अभी? उन फॉर्मों की, वो तो कह रहे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, यहाँ फॉर्म भर वायरल हुई है जो कि कचौड़ी और समोसे की दुकानों पे। अच्छा, उस फॉर्म में कचौड़ी और समोसे खाए जा रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, बोल दीजिए। यहाँ पे फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, हाँ, यहाँ पे सरकार है, वहाँ पे क्यों नहीं भरवा रहे हैं सबको? ओके ओके, यहाँ पर, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम भरवा रहे हैं, हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और भाई साहब लोग हैं, कुछ और लोग हैं, आइए चलिए कुछ। ये बिल्कुल, क्या आप देखते हैं भाई साहब, कैसे देखते हैं मुरैना में विकास हुआ या नहीं हुआ, और किसकी ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है या क्या ज़रूरत है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। मुरैना में दोनों पार्टी रही, भाजपा भी रही, कांग्रेस भी रही, भाजपा के कार्यकाल भी का भी निकल गया, महापौर का वो भी देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया। अब बात करते हैं अपने विधानसभा की, तो विधानसभा में और लोकसभा, यहाँ पे केला का जो शक्कर मिल है उसको दोनों पार्टियाँ चला रही कि हम इसको चालू कर देंगे, हम आ जाएंगे, हम चालू कर देंगे। एक भी उद्योग धंधे, उद्योग धंधे और कल कारखाने, उद्योग धंधे और कल कारखाने पूरी तरह से ठप हैं, और एक 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 लोग का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस कहते हैं तो आएंगे, उद्योग लगाएंगे, धंधे लगाएंगे, लेकिन लगाते नहीं हैं। दोनों लोगों से सवाल है, मैं आऊँगा, दोनों लोगों से सवाल है, वो जनता पीछे बैठी है, वो कह रही कि बीजेपी कहती कि हम आएंगे तो मुरैना की तकदीर बदल देंगे, कांग्रेस कहती हम आएंगे तो मुरैना की तकदीर बदल देंगे, लेकिन उद्योग धंधे लगे नहीं, 65% बंद हो गए हैं सब। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय कई तरह की योजनाएं चलाई हैं जिसमें सीखो और कमाओ, ये भी योजना पहली बार चलाई है। लाडली बहना के बाद दूसरी योजना युवाओं के लिए सबसे अच्छी साबित हुई है।